मिर्ज़ापुर के जमालपुर ब्लॉक के शिवर सरकारी स्कूल में 22 अगस्त के मेन्यू में रोटी और दाल थी, लेकिन उस दिन बच्चे रोटी के साथ नमक खा रहे थे। बच्चों के रोटी के साथ नमक खाने वाली खबर देश भर में सुर्खियां बनी, लेकिन इस खबर की कवरेज करने वाले पत्रकार विनय जायसवाल पर प्रशासन ने एक हफ्ते बाद ही मुकदमा ठोक दिया है। विनय जायसवाल पर आईपीसी की धारा 186, 120B, 193 और 420 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पत्रकार पर सरकारी काम में बाधा डालने का, साजिश रचने, जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर कहती है कि पत्रकार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और एक अन्य के साथ मिलकर सारा खेल रचा गया, मतलब वहां बच्चों को अच्छा भोजन दिया जा रहा था, लेकिन साजिश करके पत्रकार ने नमक रोटी खाने का वीडियो बना लिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 22 अगस्त को मिर्जापुर के शिवर गांव के प्राइमरी स्कूल में नमक रोटी खाने का वीडियो आने के बाद डीएम अनुराग पटेल ने खुद स्कूल का दौरा किया था और नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मामले को सही पाया था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सूचना मिली थी कि प्राथमिक विद्यालय जो ये सिवूर है जहां हम लोग आज खड़े हुए हैं, ये हमारे जमालपुर विकासखंड का ये प्राथमिक विद्यालय है, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहां पर कल बच्चों को रोटी और नमक दिया गया है MDM के रूप में। तो कल जैसे मुझे सूचना मिली थी, मैंने तत्काल अपने SDM चुनार को बताया, इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें, उन्होंने नायब तहसीलदार को भेजा था और नायब तहसीलदार ने मुझे व्हाट्सएप किया कि यहाँ पर जो शिकायत है वो सही है कि यहाँ कल रोटी और नमक ही बांटा गया है। जमीन पर बैठकर खाना खा रहे बच्चों की थाली में साफ देखा जा सकता है कि वो रोटी के साथ नमक खा रहे हैं। अच्छा, और आज क्या खाई हो? आज बेटे आप खाने में क्या खाई हो? अच्छा, दूध पी हो? कम से कम इस वीडियो में उनकी थाली में फल, दूध या दाल तो नहीं दिखाई पड़ता है। जहां तक हमारी जानकारी है, अब तक सरकार ने रोटी और नमक मिड डे मील में तो नहीं रखा है। सरकार द्वारा निर्धारित मिड डे मील में हर दिन का अलग मेन्यू होता है, जिसमें रोटी, दाल, चावल, फल और दूध जैसी चीजें शामिल रहती हैं। मिड डे मील में पौष्टिक रोटी नमक वाली डाइट के वायरल होने के बाद योगी सरकार की ठीक ठाक बदनामी हो गई, जिसे सूबे के CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और जब CM के नोटिस में मामला आया तो गाज भी गिरी। स्कूल के बच्चों को रोटी नमक बांटने वाले मास्टर साहब मुरारी और अरविंद त्रिपाठी निलंबित हो गए और खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया। पत्रकार पवन जायसवाल ने मीडिया को बताया कि जब वो कवरेज करने के लिए गए थे तो उन्होंने असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन कर बताया भी था। लोकल मीडिया की माने तो रोटी के साथ नमक इस स्कूल के बच्चों के लिए नई डाइट नहीं है। यहाँ कभी तय मिड डे मील के हिसाब से बच्चों को खाना मिला ही नहीं। स्कूल में न कभी दूध आया न सब्जियां। सरकार की मिड डे मील योजना की वेबसाइट पर बहुत ही चमकदार रंगों में बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक खाने का बखान है, लेकिन सरकार की योजना मिर्जापुर किस स्कूल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है।